हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशोक मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ फेलियर्स के बारे में, सक्सेस के बारे में। हाउ यू हैंडल योर फेलियर्स एंड कन्वर्ट इट टू सक्सेस। फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है और सफलता तक कैसे जाना है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक स्टोरी के साथ में, जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मिशन डायरेक्टर थे 1979 में और वो SLV-3 लॉन्च करने जा रहे थे, तब उन्होंने अपने प्रोफेसर सतीश धवन साहब से पूछा कि मैं उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, प्लीज गिव मी परमिशन। तो प्रोफेसर साहब ने बोला प्लीज गो अहेड। उन्होंने उसको लॉन्च किया और कुछ ही वक्त में उन्हें पता लग गया कि वो अपने मिशन में फेल हो गए हैं। वो बहुत अपसेट थे और उनको भी बताते हुए बड़ी हेजिटेशन हो रही थी कि हम लोग फेल हो गए हैं। जैसे ही प्रोफेसर सतीश जी के पास गए वो, तो उन्होंने उनको बोला, सर हम लोग फेल हो गए हैं, व्हाट शुड वी डू, मीडिया इज वेटिंग फॉर अस, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। देन प्रोफेसर सतीश धवन एज ए लीडर ही टोल्ड हिम डोंट वरी आई विल अटेंड दैट। उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की और लोगों को बताया कि कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम फेल हो गए, लेकिन वी विल बाउंस बैक, वी विल कम बैक विद अ सक्सेस। एक लीडर ने एक ओनरशिप ली फेलियर्स की। उन्होंने अब्दुल कलाम साहब को बोला कि आप चालू रखिए अपने मिशन को, अपने मेहनत को चालू रखिए, अपनी टीम को एनकरेज करिए ताकि हम इसको आने वाले वक्त में सक्सेसफुल बना पाए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ दोबारा काम किया एज ए मिशन डायरेक्टर एंड 1980 में उसको जाकर दोबारा लॉन्च किया और इस बार वे आप सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद मीडिया वहां थी, सब लोग बात करने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर सतीश धवन ने उनको बुलाया एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड टू हिम एंड ही आस्क्ड हिम टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। देन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बोला कि सर आप भी चलिए। देन प्रोफेसर सतीश धवन ने ये बोला कि आप जाइए आपकी टीम के साथ में, आपने बहुत मेहनत की है और इसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप, कि जब फेलियर मिला तो उन्होंने अपने सामने अपने आप फेस किया, लेकिन जब सक्सेस मिली तो उन्होंने अपनी टीम को आगे दिया, आगे किया और सक्सेस में उनको क्रेडिट दिया। ये लीडरशिप बताती है कि हमें कैसे फेस करना है, फेलियर को कैसे फेस करना है और उसको लेकर सक्सेस तक कैसे जाना है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल डर गए हैं, बिल्कुल हार गए हैं। फेलियर हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कि मुझे इसमें सफल होना है, मुझे इसमें प्रिपरेशन करनी है, तो हम उसमें काफी मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से उसमें मेहनत की और आपको लगता है कि मेहनत करते हुए आप फेल हो गए, तो आपको किसी चीज का गम नहीं होना चाहिए, इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन फेल होना और पास होना, सक्सेस होना या फेलियर होना, ये आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में क्या होता है, आपके हाथ में होता है मेहनत की जाए। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आप, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं सक्सेस होने के। लेकिन अगर कहीं कमी रह गई है, देन वी कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। इसलिए हमें फेल होने के बाद में बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक हमसे उम्मीदें लगा के बैठी होती है, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, वो ये सोचते हैं कि हम लोगों को जो ट्राई कर रहे थे वो पहली बार में पास हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हमें उन चीजों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो हम फेल हो गए हैं, कि उसके पीछे क्या कारण है, क्या पहली बार फेल हुए हैं या दूसरी बार फेल हुए हैं, या हमने मेहनत की, कितनी मेहनत की, कैसे मेहनत की, क्या हमारे तरीके थे। हमें उन सब चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे को जो पब्लिक को फेस करना होता है, वो उनका सामना करना बहुत जरूरी है। एंड उसके लिए अपना हौसला बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अपनी फेलियर से हम सीख सकें और फिर आगे बढ़ सकें। हमें बहुत हिम्मत करनी पड़ती है जब हम किसी का सामना करते हैं फेल होने के बाद में, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि हम फेल हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नेगेटिविटी में चले जाएं। हमें हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है जब भी हम फेल हुए हैं। इसके साथ साथ जो हमसे गलतियां हुई हैं, उससे सीखने की भी जरूरत है, ताकि आगे ये सिचुएशन ना बने कि हम फिर फेल हो जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने पुरानी गलतियों को नोट करके उस पर फोकस करते हुए, उन्हें दूर करते हुए हमें पास होना है, सक्सेस होना है। इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में जैसे कोई हम पहली बार फेल हुए या हम ही फेल होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, धीरू अंबानी, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, अपने शुरू के वक्त में, करियर में ये लोग फेल हुए हैं, लेकिन इन्होंने फेलियर से सीखा और आगे बढ़े। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने फोकस किया अपने गोल पे कि हमें ये अचीव करना है। उन लोगों ने अचीव किया, बाकी सब आपके सामने है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, फेल होने के बाद में ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं था, या पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ फेल हुए हैं, किस कारण फेल हुए हैं, उस कारण पे फोकस करने की जरूरत है। अगर आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, अगर आपके पास प्लान है, देयर आर सो मेनी बैंक्स हु विल फंड यू, दे विल टेक योर प्लान इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस। सो आपको बिजनेस अगर करना है तो आज की डेट में आप ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं है, मार्केट में बहुत पैसा है। आप काम करने की इच्छा होनी चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज होनी चाहिए जो सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प करें और बैंक को भी लगे कि यस हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है। इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग कभी भी अपने सामने अपने डेड एंड नहीं क्रिएट करें। जब हम लोग कभी कभी फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि रास्ता आगे का बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कभी भी एक दरवाजा बंद हो जाता है तो आपके लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। अब आपको ये चूज करना है कौन सा दरवाजा आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। लेकिन कभी भी निराश होकर नहीं बैठ सकते हम कि हमें फेल हो गए हैं तो आगे नहीं कुछ कर सकते हैं। और कभी कभी फेल होने के बाद हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं और सोचते हैं जवाब भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये स्टडी नहीं है, ये मैथ नहीं है कि आपका एक ही क्वेश्चन होगा उसका एक ही आंसर होगा। जिंदगी में एक सवाल के कई जवाब होते हैं। आप 2 बार जवाब ढूंढेंगे, 5 बार जवाब ढूंढेंगे, लेकिन हो सकता है वो जवाब आपके हेल्प ना करे, तो आपको और जवाब ढूंढने पड़ेंगे। लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहां तक जा रहे हैं और ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर हो सकती है, आपकी नजर जो है वो अलग तरीके सोचती है, हमारे सोचने का तरीका अलग हो सकता है। क्योंकि हर डॉक्टर के पास आपकी नजर का इलाज तो है, मगर आपके नजरिए का इलाज नहीं है। हमारा जो माइंडसेट है वो हमारा नजरिया तय करता है। अगर हमारा माइंडसेट ठीक है, हम सोच हमारी सकारात्मक है, हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमारा नजरिया भी अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं है तो हमारा नजरिया बदल जाएगा। हमें सोचने की जरूरत यहाँ पर यह है कि फेल हो गए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, लाइफ डजंट एंड हियर, यहाँ से शुरू हुई है। जब आप सफलता की तरफ जा रहे होते हैं, कदम बढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन आपको समस्याओं की तरफ देखना नहीं है, आपको सॉल्यूशन की तरफ देखना है। नाउ यू हैव टू सी कि प्रॉब्लम है क्या, बिकॉज आई थिंक लाइक दैट कि प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम बड़ी नजर आएगी, जब आप सॉल्यूशन को देखोगे तो सॉल्यूशन बड़ा नजर आएगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू, बिकॉज टेकिंग प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमें अपनी लाइफ में सीखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, उसके लिए क्या गोल्स हैं, क्या फोकस है और हमारी इंटेंशन क्या है। हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप के साथ तो हमें ईमानदार रहना ही पड़ेगा। दूसरे के सामने हम कुछ भी कह सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप हमें अपने आप से ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी कि यस मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। उसके बेस पे आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट तैयार होगा कि मैं यह कर सकता हूं और मुझे ये करना है। अब हमें फेलियर से सक्सेस की तरफ कैसे जाना है, उसके लिए मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा। देयर आर 4 स्टेप्स जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फोकस ऑन द गोल। हमारा गोल क्या है, हम अचीव क्या करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट, सब कुछ उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा फोकस गोल पर है तो हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान बीच में डिस्ट्रैक्ट होगा, इधर उधर जाएगा, भटकेगा, तो शायद हमारा गोल उतना ही टफ हो जाएगा और हम फिर दोबारा फेलियर की तरफ जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें डिटर्मिनेशन अपने माइंड में लानी पड़ेगी। हमें एक निश्चय रखना पड़ेगा कि हमने जो चाहा है, जो हमारा गोल है, उसको अचीव करना है, कितने वक्त में अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जब हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं तो ठीक जाएंगे। निश्चय होना बहुत जरूरी है हमारे साथ में, जो एक पार्ट है सक्सेस का, एक पार्ट है निश्चय। पहले हमें फोकस करना है गोल पे, फिर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ नंबर 3, वी शुड हैव पॉजिटिविटी इन अवर माइंड। मुझे लगेगा कि मैं ये पा ही सकता नहीं, मैं ये नहीं पा सकता हूं तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे लगेगा मैं पा सकता हूं और मैं उसके लिए डिटरमाइंड हूं तो मैं उसको पा सकता हूं। पॉजिटिविटी माइंड को आगे लेके जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव मींस फेल, पॉजिटिव मींस पास। अब हमें पास होना है ना कि फेल होना है, और बार बार के फेलियर से ही हमें सीखना है कि हम बार बार फेल क्यों हुए, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये सोच थी शायद मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। लेकिन डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिविटी आपको हमेशा इस रास्ते पे ले जाएगी जिस रास्ते पे आपको सक्सेस मिलेगी। अब हमें फोकस अपने गोल पर भी करना है, डिटर्मिनेशन भी रखनी है, माइंड में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। एक और पॉइंट है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। विश्वास एक बड़ा डिफरेंस है फेलियर एंड सक्सेस के बीच में।
क्योंकि हमारा विश्वास ही हमें जीत दिलाता है और कमी होती है विश्वास की तो हमें फेल भी हम उसी तरीके से होते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर अपना विश्वास जगाना पड़ेगा, हमें अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें अपने आप को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारी प्रॉब्लम है, हमें सक्सेस होना है। तो हम किसी से हेल्प तो ले सकते हैं, लेकिन सक्सेस होने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही फोकस करना पड़ेगा, खुद डिटरमाइन होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी और कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि आप फेल हो जाएं। आपको सक्सेसफुल होना ही है, होना ही है, यही सोच को आपको आगे बढ़ना है। अब सक्सेस पाने के रास्ते तो हमें मिल गए हैं, लेकिन क्या सक्सेस पाना ही काफी है? यहाँ हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सोच लेते हैं मुझे अचीव करना है, आपने अचीव कर लिया, उसके बाद क्या? इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। दो लड़के कॉलेज से पास आउट होते हैं, उनके दोनों के अपने अपने गोल होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं बाहर निकलने के बाद में। एक लड़के का सपना यह होता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मैं इतना पैसा कमाऊं कि ये चीजें अचीव कर पाऊं। दूसरे लड़के का ये सपना होता है कि मैं पढ़ाई करके किसी छोटे शहर में जाके लोगों को इस लायक बनाऊं, लोगों को पढ़ाऊं या लोगों को स्किलफुल बनाऊं, ये मेरा सपना है। दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, सात साल के बाद जो लड़का बंगला और गाड़ी की इच्छा रखता था उसको बंगला और गाड़ी मिल गई। जो दूसरा लड़का गांव में गया था, वो गांव से शहर आके उसने 500-700 हजार लोगों को इस लायक बनाया कि वो अपनी कमाई भी कर सकें और अपने रास्ते पे सक्सेसफुल होके आगे जा सके। धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती गई और वो पॉलिटिक्स में आ गया और एक सक्सेसफुल ऑनेस्ट MLA बन गया। दूसरा जो लड़का था जिसके पास बंगला था, गाड़ी थी, उसके घर में सब कुछ था, एक वन वेरी बैड डे भूकंप आया और उस भूकंप में उसका बंगला, गाड़ी सबके सब दबके रह गया। लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान ये सोचता था कि मेरी बंगला गाड़ी में अचीव कर लूंगा तो मैंने सब अचीव कर लिया, लेकिन उसकी जर्नी वहीं खत्म हो गई। वो सक्सेसफुल था, उसने जो सोचा था उसको मिल गया था, लेकिन क्योंकि उतना ही सोचा था उसने तो उतना ही पा सका, उसने आगे की इच्छा ही जाहिर नहीं की थी। दूसरा लड़का सक्सेसफुल होते हुए भी लोगों के दिलों में बना के जगा, एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी था, एक सोशल वर्कर भी था। ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि हमें सक्सेसफुल होने के बाद में रुकना नहीं है। सक्सेसफुल होना आसान है, सक्सेस को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। कंसिस्टेंसी हमारे हर काम में होनी चाहिए, सफलता है सफलता में होनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो हमारे काम में जो हमारा मेहनत है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल इंसान बन सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।